शुक्रवार को आयकर कार्यालय सोलन में फॉर्म 10A को भरने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर एग्जम्पशन पूजा जिंदल ने की। इस बैठक में करीब 10 से 12 एडवोकेट ने भाग लिया, जिन्हें फॉर्म 10A के बारे में जागरूक किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन सोलन शमशेर सिंह ने बताया कि आज आयकर कार्यालय सोलन में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें एडवोकेट और सीए को फॉर्म 10A के बारे में जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 10A सोसाइटीज के स्कूल कॉलेज रिवाइज रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की ऑनलाइन विंडो खुली हुई है, ऐसे में पहले मार्च 22 तक इसे जमा करवाने की तिथि थी, लेकिन अब 25 नवंबर तक इसे पब्लिक की सुविधा के लिए खोला गया है। इसी बारे में आज एडवोकेट और सीए को जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि लोग समय पर फॉर्म 10A भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसे में इसलिए आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। मैं शमशेर सिंह, ITO एग्जम्पशन सोलन। आज हमारे ऑफिस में मिस पूजा जिंदल कमिश्नर एग्जम्पशन आए। उन्होंने फॉर्म नंबर 10A की जो डेट जो एक्सटेंड हुई है उसकी जानकारी एडवोकेट और सी को दी। मेन मोटिव तो फॉर्म नंबर 10A की जो डेट बढ़ी है उसकी जानकारी। 10A फॉर्म जो ये स्कूल ट्रस्ट कॉलेज होते हैं सोसाइटी के, उनको एक रिवाइज दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए 12A के लिए दोबारा अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, तो हमारी डिपार्टमेंट की विंडो खुली हुई है। तो इसकी जानकारी, क्योंकि पहले इसकी डेट मार्च 22 तक थी, अब इसकी 25/11 तक डेट बढ़ा दी है पब्लिक की वो सुविधा के लिए। कुछ लोग जैसे वो भर नहीं पा रहे थे ना, लोगों के कुछ रह गए थे जैसे मान लो, तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए ये डेट बढ़ाई है। इसलिए उसकी जानकारी दे रहे ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। बस लोगों से गुजारिश है कि वो अपने टाइम पर 10A फॉर्म भर दें और इसका स्कीम का जो अभी तो डिपार्टमेंट कोई पेनल्टी वगैरह करके बिना उसके है ये अपना फ़ायदा उठाएं। शुक्रवार को आयकर कार्यालय सोलन में फॉर्म 10A को भरने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर एग्जम्पशन पूजा जिंदल ने की। इस बैठक में करीब 10 से 12 एडवोकेट ने भाग लिया, जिन्हें फॉर्म 10A के बारे में जागरूक किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन सोलन शमशेर सिंह ने बताया कि आज आयकर कार्यालय सोलन में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें एडवोकेट और सीए को फॉर्म 10A के बारे में जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 10A सोसाइटीज के स्कूल कॉलेज रिवाइज रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की ऑनलाइन विंडो खुली हुई है, ऐसे में पहले मार्च 22 तक इसे जमा करवाने की तिथि थी, लेकिन अब 25 नवंबर तक इसे पब्लिक की सुविधा के लिए खोला गया है। इसी बारे में आज एडवोकेट और सीए को जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि लोग समय पर फॉर्म 10A भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसे में इसलिए आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। मैं शमशेर सिंह, ITO एग्जम्पशन सोलन। आज हमारे ऑफिस में मिस पूजा जिंदल कमिश्नर एग्जम्पशन आए। उन्होंने फॉर्म नंबर 10A की जो डेट जो एक्सटेंड हुई है उसकी जानकारी एडवोकेट और सी को दी। मेन मोटिव तो फॉर्म नंबर 10A की जो डेट बढ़ी है उसकी जानकारी। 10A फॉर्म जो ये स्कूल ट्रस्ट कॉलेज होते हैं सोसाइटी के, उनको एक रिवाइज दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए 12A के लिए दोबारा अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, तो हमारी डिपार्टमेंट की विंडो खुली हुई है। तो इसकी जानकारी, क्योंकि पहले इसकी डेट मार्च 22 तक थी, अब इसकी 25/11 तक डेट बढ़ा दी है पब्लिक की वो सुविधा के लिए। कुछ लोग जैसे वो भर नहीं पा रहे थे ना, लोगों के कुछ रह गए थे जैसे मान लो, तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए ये डेट बढ़ाई है। इसलिए उसकी जानकारी दे रहे ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। बस लोगों से गुजारिश है कि वो अपने टाइम पर 10A फॉर्म भर दें और इसका स्कीम का जो अभी तो डिपार्टमेंट कोई पेनल्टी वगैरह करके बिना उसके है ये अपना फ़ायदा उठाएं।